गुड मॉर्निंग। आज प्रोफेशनली मैं मुंबई में क्या करती हूँ? ओके, इट्स डन एंड सनस्क्रीन लग चुकी है। आज से थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है। हाय दोस्तों, मैं नहा चुकी हूँ, एकदम फ्रेश हो चुकी हूँ, मैंने बाल भी धोए। मेरी बारा तो इनसे आ कर लेती हूँ, तो चल। गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम काफी टाइम से गाड़ी में बैठे ही हुए हैं। कुछ काम नहीं है, मैं तो सिर्फ साथ में गेस्ट बनकर आई हूँ। जो सूट्स है सब कुछ है वो मैं देखती हूँ और उसमें से मुझे क्या पसंद। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल दैट प्लस कॉल ट्रिपल वन। आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत करती है। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ, सुबह हो चुकी है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरा एक्चुअल में डेली रूटीन ये हो रहा है कि मैं 3 बजे सो रही हूँ, बट मैंने खुद को प्रॉमिस किया कि मैं आज जल्दी उठ। तो मैं इतना जल्दी तो उठ नहीं पाई, मैं 10:30 पे उठी और फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, Let's start today. तो चलो शुरू करते हैं। और आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ, क्या क्या होने वाला है, सब कुछ पता चलेगा। क्योंकि मैं मुंबई में किसी इवेंट के लिए आई हूँ, मुंबई में मेरा क्या काम है और मुंबई से मेरा क्या नाता है, एक्चुअली मैं ये भी बता रही हूँ। मैं यहाँ किसके यहाँ रुकी हूँ, ये किसका घर है मुंबई में, बड़ा ही क्यूट सा घर है ना, बहुत मन हो रहा होगा जाने के लिए। तो हाँ, मैं ये भी बताने वाली हूँ कि मुंबई में किसके घर हूँ और मुंबई में किस काम से आई हूँ। और जिस इवेंट की मैंने बात की है वो इवेंट कौन सा है, अपने लास्ट ब्लॉग में इतने टाइम से नहीं बताया था कि मैं एक्चुअल में मतलब क्या करती थी। तो बड़ा ही मज़ा आएगा आप सबको जानने में और बड़ा ही मज़ा आएगा आप सबको देखने में भी। तो बने रहिए चैनल पे, आगे आज हम पूरा दिन क्या क्या करने वाले हैं धीरे धीरे करके आपको सब पता चल जाएगा। आज मुझे कहीं जाना तो भी है। उसी के साथ शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट टुडे। ओम सायराम। तो मैं अभी फेस वॉश कर चुकी हूँ, मैंने पानी से अपना मुँह धो लिया था और अभी दिन शुरू करने के लिए हमें सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। लगा लेती हूँ फटाफट से ताकि मेरी स्किन को कुछ ना हो यार, स्किन। ओके, इट्स डन एंड सनस्क्रीन लग चुकी है, मुझ चुका रही। तो सनस्क्रीन लग चुकी है और हम चलते हैं अपना दिन शुरू करने। बाय बाय। तो अभी मैं फटाफट से चाय बनाती हूँ। चांदनी 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 इतना कम कम चांदनी आजो 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 चांदनी चांदनी कम कम आजो आजो चांदनी आजा। अच्छा ब्राउनी का डर है, ब्राउनी के डर से नहीं आ रहे हो? हाँ चांद चांद, ब्राउनी के डर से नहीं आ रही? आई आई ब्राउनी आई ब्राउनी का ब्राउनी का। और ये बड़ा ये WWF स्टार्ट होने वाली है। अच्छा ब्राउन ने सोचा कि इतना बड़ा फ्रेम मत करो, मैं भी वहीं आ जाती हूँ एक ही फ्रेम में, चांदनी को अकेले फुटेज क्यों मिले। थोड़ी सी चाय बनी, मेरी चाय पूरी बॉयल हो गई, कोई बात नहीं चाय पीते हैं। तो गाइज अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं मुंबई में क्यों आई हूँ और मैंने जो बोला था आपको कि मेरा मुंबई से क्या नाता है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बहुत जल्दी अभी। मैं मुंबई में 9 साल रह चुकी हूँ और मैंने मुंबई में बहुत काम किया है, बहुत ही प्यार है मुझे मुंबई से। मैं कहीं भी जाती हूँ पता नहीं क्यों मुझे ये सिटी, मुझे शहर खींच लाता है वापस अपनी तरफ, मेरा कहीं मन ही नहीं लगता इस जगह। और यहाँ के लोगों के बिना यहाँ बहुत बहुत सुकून मिलता है मुझे जब भी मुंबई आती हूँ। तो मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज 19 ईयर्स ओल्ड। इंडियाज गॉट टैलेंट पे कॉल आया था एक कंपनी से, जिस बैड सालसा को एक पोल डांसर चाहिए थे एक्रोबैट, तो मैं बस वही करने के लिए उस कंपनी में गई थी। एंड देन फिर मुझे पता चला कि मैं उस कंपनी में असिस्टेंट की पोजीशन पे काम कर रही हूँ। असिस्ट किया इंडियाज गॉट टैलेंट में, उसका मतलब करके करियर स्टार्ट हो गया था। फिर मुझे इंडस्ट्री से मैंने शूट्स किए, शूट करने के बाद मैंने बैक डांसिंग किया, आई लव डांसिंग।
एक पैशन को मेरा करियर बना दिया था, विच इज़ गुड। आप, मैं ये हर किसी को बोलना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है आपके अंदर एक टैलेंट है और जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, सबसे ज़्यादा, गो फॉर इट। क्योंकि आज की डेट में ना, जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप सिर्फ उसी में पैर डालो, उसी जूते में पैर डालो जिस जूते को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, कि आपको कंफर्टेबल उसी में लगेगा, ज़िंदगी बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। तो वैसे ही है, मैंने स्टडीज़ की, मेरी बैचलर्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, बट मुझे ऐसा लगा कि पढ़ाई मेरे बस की और नहीं है। मैं पढ़ सकती थी, कर सकती थी, मेरे पापा चाहते थे कि मैं पढ़ूँ, कुछ बनूँ स्टडीज़ में, चाहते थे मैं डॉक्टर बनूँ, ये सब। तो मुझे पता था कि मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी। मुझे, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट इस फील्ड में था, बिकॉज़ आई एम अ क्रिएटिव पर्सन एंड मुझे क्रिएटिव फील्ड से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ऑलमोस्ट बॉलीवुड के बहुत गाने शूट किए हैं मैंने, साउथ इंडस्ट्री में भी काम किया है। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके मेरा करियर बनता गया और मैं ऑफिशियली बॉलीवुड की मेंबर हो गई थी। अपना करियर बनाना चाहते हो इंडस्ट्री में तो आप कोई कार्ड बनवाना पड़ता है शूटिंग के लिए। कॉस्ट अराउंड, अभी उसका रेट आई थिंक 2.5 लाख है। जब मैंने बनाया 1.5 में बना था इन 2016, तो मैंने कार्ड बनाए रहे थे, मैंने बहुत सारे ऑफिशियली शूट किए एज अ बैक डांसर। देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन असिस्टेंट डांस कोरियोग्राफर, मेरा प्रमोशन हो गया था। अच्छी और बहुत फेमस कोरियोग्राफर है शबीना खान, जो सलमान भाई के बहुत सारे सॉन्ग्स कर चुकी हैं, गदर मूवी, अभी उनकी गदर 2 के गाने हिट हुए, पागलपंती से मेरी स्टार्ट हुई थी, तेरा बीमार मेरा दिल। तो ऐसे करके मैंने उनके साथ काफ़ी गाने उनके असिस्ट किए, पागल, धीरे धीरे करके मेरा करियर और अच्छा होता गया और मैं बहुत ग्रोथ की लाइफ में। तो बस ऐसे ही करके मुझे बड़ा मज़ा आने लगा काम करने में। अभी आप ये सोचो ऐसा कि बोल रही कि मैं मुंबई में वापस आई हूँ, तो हाँ, मैंने मुंबई छोड़ दिया है, मैं मेरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गई हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली रहती है ग्वालियर। ऐसा था कि यार अब थोड़ा फैमिली के साथ रह लूँ और ठीक है, ये जो होगा इसको मैं यहाँ से अप डाउन करूँगी। और सपना तो था मेरा एक्टर बनने का, अभी भी है, नेवर नो कब कौन सी तकदीर चमक जाए, तो लेट्स सी। बट हाँ, मैंने एक्टिंग के लिए इतना कुछ ट्राई नहीं किया एज ऑफ नाउ, होंगी कुछ अच्छा आता है तो मैं करती रहती हूँ। बट हाँ, मैंने भी कुछ वीडियो सॉन्ग्स किए हुए हैं, जो भी लाइनअप है जो आने वाले हैं कुछ ही टाइम में, तो बस वो सब किया। मेरा यहाँ से सारा सामान सब कुछ शिफ्ट कर चुके हो, ग्वालियर जा चुका है, तो सब कुछ तो मेरा है नहीं यहाँ पे, अब सिर्फ मेरा एक बैग है, तो वो उठा के बस आ जाती हूँ जब भी काम होता है। अब रही बात कि यहाँ काम कौन सा है, तो गाइज यहाँ पे मैं करने आई हूँ, अब सबको ही पता होगा मुकेश अंबानी की यहाँ शादी है, तो वही इवेंट करने के लिए आई हूँ। और मैं जिनके थ्रू काम कर रही हूँ वो टीम है दबी मर्चेंट एज ए डांसर, तो मुझे बहुत ही, मैं एक्साइटेड हूँ उनके साथ काम करने के लिए, क्योंकि शादी में बहुत मज़ा आता है यार। मैंने उनकी लास्ट वेडिंग की थी ईशा अंबानी की, जिसमें हमने बहुत मज़े किए थे, और पहले तो उनके घर जाने का मौका मिला है। हर किसी को एंटीला में एंट्री नहीं मिल सकती है, बट बाय गॉड ग्रेस मैंने उनका घर देखा। मेरा 12 से रिहर्सल स्टार्ट हो जाएगा और शादी है 3rd March की, तो वो सब मैं आगे अपने ब्लॉग्स में सब दिखाने वाली हूँ जितना मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी। तो बस यही मेरे पूरे दिन का प्लान तो यही है कि मैं जाने वाली हूँ थोड़ा बाहर, एक एग्जीबिशन है, देखो इन्विटेशन आया है, तो बस वही जाते हैं एग्जीबिशन में, देखेंगे आज क्या क्या है, बस इंजॉय करेंगे। आज से थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है, बाकी मैं मेरे शॉर्ट्स में अपने काम की रील शेयर करती रहती हूँ, तो मेरे काम की रील को प्लीज़ देखिए गाइस, और प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि मैं मेरे आगे की वीडियोस में क्या डाल रही हूँ। आपको मेरे आगे की वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उसके साथ लाइक प्लीज़ कर देना गाइस, क्योंकि लाइक करोगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगा है कि हाँ, अगर इतने लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, इतने लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा है, तो उन लोगों ने लाइक भी किया है, बहुत ही प्यारी सी फीलिंग आती है कि हाँ चलो ठीक है, प्यार मिल रहा है, और एक मोटिवेशन बन जाता है कि जब मैं लाइक देखती हूँ, व्यूज़ देखती हूँ एज अ ब्लॉगर, मैं अभी सब चीज़ें समझ पा रही हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं सब चीज़ें लाइफ में। शेयर, सब्सक्राइब एंड डू द कमेंट्स बिलो कि आपको ब्लॉग में क्या कमी लगी है और आपको ब्लॉग में क्या अच्छा लगा है, तो सब कुछ मुझे बताओ, मैं तो कमियां भी जानना चाहती हूँ। अगर आप मुझे कमियां बताओगे तो प्लीज़ मुझे कमियां भी बताओ, और प्लीज़ बहुत सारा प्यार दो। चाय पी लेते हो, हंडी हो रही है।
तो दोस्तों मैं नहा चुकी हूँ, एकदम फ्रेश हो चुकी हूँ, मैंने बाल भी धो लिए क्योंकि मेरे बालों में बहुत जल्दी ऑयल आ जाता है। तो बस अब स्टार्ट करते हैं रेडी होना क्योंकि मुझे बहुत जल्दी निकलना भी है, टाउन बहुत दूर है और बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है। तो फटाफट से रेडी होते हैं और फिर नाश्ता करके हम निकल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। आईब्रोज बहुत बढ़ गई है, कब से पार्लर ही नहीं गई, भाई की शादी के टाइम ही गई थी, तो पता है एक महीना हो चुका है मुझे सलून गए हुए। ये रही मेरी बीबी क्रीम और बस यहाँ मेरा मेकअप होता है समाप्त। मैं क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो मैं सब आपको बताऊँगी एक अलग ब्लॉग में। मेरा स्किन केयर, मेरा मेकअप रूटीन सब आपको उस ब्लॉग में पता चलेगा। मेरा हेयर केयर भी बताऊँगी क्योंकि मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं बालों के लिए भी। टच वुड, बहुत बहुत आई एम सो ग्रेटफुल कि ऊपर वाले ने मुझे इतने अच्छे बाल दिए हैं और मैं उनका टेक केयर भी करती हूँ। मैं ग्रांटेड नहीं लेती हूँ किसी भी चीज़ को, अगर मुझे कुछ भी चीज़ अच्छी मिली है तो उसकी मैं कदर भी करती हूँ और बहुत ज़रूरी भी है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, इंसान, चीज़ या कुछ भी। That's it. I'm all set. Why do I feel like that? My eyebrows are looking so big. Big. Can't drink कर लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि हमें जाना है किसी इवेंट में और मुझे अपनी रील भी बना के डालनी है, तो थोड़ा सा पॉलिशिंग कर लेते हैं चेहरे की। सिर्फ एक नॉर्मल आईब्रो आई शेडो ब्रश है मेरा जिसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट लिया नहीं है, मैं सिर्फ उसके अंदर का जो प्रोडक्ट है उसी को ब्लेंड कर रही हूँ ताकि एक आई कलर आ जाए और वो बीबी क्रीम का जो टेक्सचर है मेरी आंखों से चला जाए तो एक नेचुरल आईज दिखेंगे मेरी और थोड़ा अच्छी लगती है। Mascara is one of my favorite product क्योंकि I feel बेचारे जिनके lashes होते हैं but दिखते नहीं है तो mascara is one of the product जो आपकी help कर देता है यार आपके लैशेस को दिखाने में और आपकी आँखों को थोड़ा बड़ा दिखाने में, क्योंकि पता नहीं मेरी आँखें हमेशा इतनी स्लीपी दिखती हैं, हमेशा ऐसा लगता है जैसे मैं नींद में हूँ। तो हम मस्कारा की हेल्प से अपने लैशेस को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पाउडर ब्लश ऑन लगाएंगे। मैंने कोई कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं किया है क्योंकि कॉम्पैक्ट यूज़ करना मुझे शायद लगता है कि जितना आप नेचुरल आपके फेस का ग्लो होता है वो कॉम्पैक्ट से चला जाता है। आप तब करो जब आपको कुछ ऐसा स्वेट नहीं लाना है अपने फेस पे, जैसे मैं जब शूट करती हूँ देन ओनली आई यूज़ कॉम्पैक्ट। मोस्टली आई डोंट प्रिफर क्योंकि मुझे सिर्फ ब्लश ऑन पसंद है, मुझे ब्लश ऑन लगाना बहुत पसंद है। तो आई एम ऑल सेट, मुझे बस लेंस पहनना है। लेंस पहनने के बाद मैं बिल्कुल रेडी हो जाऊंगी और मेरे बालों को मैं फटाफट से ड्राई करती हूँ, देन ब्लो ड्राई करूंगी और फिर उसके बाद कपड़े पहन कर। आज खाने में क्या है?
तो आई एम ऑल सेट टू गो, मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी हम निकल रहे हैं। मैंने इंडियन वेयर पहना हुआ है तो, क्योंकि मुझे इंडियन वेयर बहुत पसंद है। मैंने शादी में तो बहुत भर भर के पहना था और मेरा मन अभी भी नहीं भरा, तो मैंने सोचा आज पहन लेती हूँ। तो चलते हैं, बहुत लेट हो गए हैं, फटाफट से लेट्स गो। हेलो बोल दो, पीछे देख लो व्यूअर्स को। हेलो, ये है चाटनी ब्लॉग। देखो गाइस, सीलिंग का है, सीलिंग और अभी आपको बहुत अच्छा व्यू भी दिखाऊंगी मैं। ये सबसे फेमस पॉइंट है जो आपने देखा भी होगा मुंबई के जो पोस्टर्स बनते हैं उनमें। तो ये है सीलिंग जहाँ से जाता है साउथ बॉम्बे का रास्ता। ये है गाइस सीलिंग का टोल जहाँ से आप साउथ बॉम्बे के लिए क्रॉस करते हैं, साउथ बॉम्बे के लिए क्रॉस करते हैं। ये टैग लगा हुआ है तो आपको कम चार्ज होगा, और वरना वो जो टोल चार्जेस लिखे हुए सामने वो आप देख सकते हो। यहाँ पे आ तो चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी मार्केट लगी हुई है। मुझे तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं और बहुत कुछ है आप तो खरीदने के लिए। मतलब ऐसा हो रहा है कि क्या क्या खरीदूँ क्या ना खरीदूँ, बट समहाउ देखिए कुछ चीज़ें इसीलिए नहीं है क्योंकि ये जो सब हिजाब और ये सब है मैं नहीं पहनती हूँ। तो जो सूट्स है सब कुछ है वो मैं देखती हूँ और उसमें से मुझे क्या पसंद आता है तो मैं खरीद लूँगी। बाकी मुझे मेरे काम की एक चीज़ दिखी है जो मुझे बहुत पसंद है और वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं ट्राई कर रही हूँ अभी एक स्क्रब है, दिस इज D10 स्क्रब बिकॉज मैं बहुत जल्दी टैन हो जाती हूँ। तो D10 स्क्रब है और ये उन्होंने पैक लगाया हुआ है, तो दोनों को ट्राई कर रहे हैं और रिजल्ट देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि रिजल्ट क्या है। गाइज ये जितनी भी चीज़ें हैं सब ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया गया इन्होंने, और इनकी हैंडमेड है जो इन्होंने खुद बनाया है अपने हाथों से। और आप डिफरेंस देख सकते हैं, हम देख पा रहे हैं, शायद आप कैमरे पे जस्टिफाई नहीं कर पाओगे बट हाँ डिफरेंस, आई कैन सी द डिफरेंस इमीडिएटली। तो ये गाइज पैक था जो मैंने D10 पैक लगाया था और अभी इसको उन्होंने रिमूव किया है और यार रिजल्ट एक्चुअल में वाओ है। दोनों हाथों चलो शुक्र है मेरा हाथ साफ हो गया इस बहाने यार एक्चुअली मेरा हाथ काफी साफ हो गया है, आपको दिख रहा होगा। प्राइस क्या है इसका? ये दोनों मेरे हाथ का है, ये मेरे हाथ है। प्राइस क्या रहेगा इसका? D10 का प्राइस है 300 और स्कब का प्राइस है 250। आप जाओगे कहीं और कहीं बड़ा प्रोडक्ट लोगे
तो उससे अच्छा है कि ये ले लो। तो मैं तो अभी ले ही रही हूँ और मैं आपको लेकर दिखाऊंगी भी कि मैंने लिया है जब मैं घर पर जाऊंगी। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं आपको, बाय। मैं कल कुछ भी आने के बाद शूट नहीं कर पाई हूँ और क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत टायर्डनेस हो गई थी, पता नहीं क्या, तो आई कुडंट शूट एनीथिंग। तो इसलिए मैं आज सुबह मॉर्निंग में वीडियो को, ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड डू द कमेंट्स। तब तक के लिए बाय बाय।